वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला दास महान गुरु दे अज इस प्रकाश पुरब ते आप जी सारी संगतां नूं लख लख वधाई होवे। सिख कौम दा विरसा बड़ा अमीर है। एक समां सी जदू संसार दे मनुख अपने मन अंदर ये भरम पाली बैठे सन कि मुक्ति की प्राप्ति लई किसे देहधारी गुरु का होना लाजमी है अते ओ देहधारी गुरु दा मगर फिरदे सन। असी आम अज भी कई बार दूजियां कौमां भी सुनदे हां कि फलाना फलाने का कुल गुरु है। उस वक्त जितने भी धार्मिक पुस्तक सन, धार्मिक सारे धर्म दियां पुस्तकां सन, उन्हां दी इतनी कोई परवाह नहीं सी करदा। भाई गुरदास जी भी इस गल की गवाही भरदे हन, शास्त वेद न माना कोए, आपो आपै पूजा होए। लोकी धार्मिक ग्रंथां नूं क्यों नहीं सुन मनदे? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह तो अलावा संसार दे भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हां दी रचना धार्मिक गुरुआं ने नहीं की। उन्हां तो कई साल बाद उन्हां दे मनन वालिया ने जो सुनिया सुनाया वह लिखिया। पर मैं तुहानू कहा से असी बड़े अमीर विरसे दे मालक हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी जितनी भी बाणी है वह गुरु साहिबान ने अपने हाथी लिखी। जदों अकाल पुरख के दर तो बाणी आती सी तो गुरु नानक पातशाह कहिंदे सन मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। आप जी ने रागी सिंह तो बड़ा रस पीना कीर्तन सरवण किया। जितने भी शब्द उन्होंने आप जी नूं गायन करके सुनाए सारे ढुकवें शब्द सन जो अज दे दिन नाल मेल खांदे सन। भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। असी वड्डे भागों वाले हाँ कि एक समां सी जदों संसार दा मनुख कुराए पिया होया सी। अकाल पुरख ने इसकी पुकार सुनी तो गुरु नानक पातशाह दे रूप विच अकाल पुरख धरती ते आया। उसने शब्द दा महान खजाना साड़ी झोली च पाया ते साडे ते बहुत वड्डा पर उपकार किया। जदों रागी सिंह कीर्तन कर रहे सन मैनू तलवंडी दी ओ गल याद आ गई, ओ सीन याद आ गया जदों गुरु नानक पातशाह एक बार एक दरख्त ते थले बैठे हुए सन। उन्हां दे कन्नी आवाज पई कि कोई व्यक्ति रबाब बजा रहा है। गुरु नानक पातशाह नूं राग दी सोझी सी, ज्ञान सी, ओह उठ के उस मनुख कोल चले गए ते की किया, पुरखा तू रबाब बड़ी भली बजाउंदा है, तेनू राग दी बड़ी सोझी है, की ना है तेरा? कहिंदा जी मैनू मरदाना आखदे ने। गुरु नानक पातशाह कहिंदे जेकर तू मेरा साथ दे दवे मेरे शब्द नू अपने राग दे विच पाके गायन करें, मैं अते तू रल के संसार दे मनुखां दे तपदियां हिरदियां नू ठार सकदे हां, मेरा साथ दवेंगा। पानी दा फुरमान है ना, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जीव। ते भाई मरदाना एक दुनियावी व्यक्ति सी ते गल भी दुनियावी ही उसने की। कहन लगा मैं परिवार वाला हाँ, मैं लोकां दे दरां ते जाके दुनियावी गीत गांदा हाँ, लोक मैनू भिख्या वजू पैसे देंदे हन ते मैं परिवार दा पेट पालदा हाँ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਾਈ, ਉਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੋਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ ਤਿਨਾ ਪੀ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਣ ਜੀਵਾ ਮਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਰਥਨ ਆਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਜਾਪਾ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਜ ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਆਗੇ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹ ਰੁਚ ਠਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ, ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਝਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੇ
बिन प्रयास भव सागर तर है, जिन पह अदब न बानी धारा सो सिख जानो ना है हमारा। वो साड़ा सिख है ही नहीं, असि दावा करते हाँ ते सच्चाई भी है कि साड़ा गुरु कोई देहधारी गुरु नहीं, जड़ा जमद है ते मरद है। सतगुरु का प्रकाश तो होया पर सतगुरों का कदे अंत कदे नहीं हो सकता। गुरबाणी का ही फुरमान है, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है जो सब में रहा समाए। सिद्धा नाल जो गुरु नानक पातशाह का चर्चा होया गोष्ठी हुई, सिद्ध वडेरिया उम्र दे सन, किसी की 100 साल किसी की 150 साल उम्र सी, ते गुरु नानक पातशाह नूं दे अगे एक बालक सन जिसने सिद्ध गोष्ठी की बाणी पढ़ी होवे उसने पता होगा कि सिद्ध जनों गुरु नानक पातशाह नूं संबोधन करते हैं तो बालक बालक आके। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा सी, क्योंकि उदू तक दा समाज ए भरम पाली बैठा सी कि भाई हर एक व्यक्ति दा जो संसार विच आया है कोई देहधारी गुरु होना लाजमी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच 11 पट्टां दी बाणी है, ए पट बड़े धार्मिक व्यक्ति सन, बड़े ज्ञानवान सन, बड़ियां धार्मिक रूहां सन, पर इन्हां दा भी उस वक्त दे विचार सी, क्योंकि जब तक किसी नूं भावें कितना भी धार्मिक व्यक्ति क्यों ना होवे, जब तक सच्चा गुरु किसी नूं नहीं मिलदा जीवन दी सोझी सही उस नूं कदी नहीं आ सकदी। असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे जो भट्टां दी बाणी एक शब्द आंदा है, रहो संत हउ टोल साध बहुतेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरयो किनना परचो लायो, कहते हां कहती सुनी रैत को खुश ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दई मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो। इन्हां भट्टां ने जो अपनी बाणी विच आप आखदे हन ऐसे ही किसी धार्मिक गुरु की भाल विच एक साल भर हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारिया कि कोई रब नाल जुड़ी आत्मा सानू मिले जिसनूं असीं अपना गुरु धारण करके उसके उपदेशां अनुसार जीवन नूं ढालिए ते मनुखा जीवन सफल हो सके। पर यह आपे आखदे बड़े मिले धार्मिक चोलियां वाले, जिवें अज दे समाज विच जे झात मारीए ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਖ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ, ਝੂਠ ਛੱਡਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਣੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, प्रचार की कोई गल ही नहीं। उस वक्त भी अनगिनत लोग ऐसे लोगों के गुरु बने हुए सन। यह 11 पट में तुम्हें पहला दस चुके हैं, जो असि इन्हों का इतिहास पढ़ते हैं तो यह गल पढ़ने मिलती है कि बड़िया महान धार्मिक रूहां सन, बड़िया पवित्र रूहां सन, अठे पैर उस मालक की याद में रहिंदियां सन। इन्होंने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारिया कि कोई गुरु रब नाल जुड़े के रूह सानू मिले जिसनू गुरु धारण करिए। पर आप लिखते हैं, कहते हैं कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो। ते ए जदो एक टोले नाल इन्हां दी मुलाकात हुई ना, जदों गुरु रामदास पातशाह ज्योति जोत समाए ते गुरु अर्जन देव पातशाह नूं गुरुगद्दी दी जिम्मेवारी सौंपनी सी ते सिख वहीरां कतके दूर दराज तो अमृतसर वर कालां कतरे सन, ते इन्हां नूं जदों उस टोले नाल इन्हां दी मुलाकात होई इन्हें पूछ कीती तुसीं किधर जा रहे हो। जद इन्हों नूं दस्या गया कि चौथे पातशाह गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए हैं,
ते अपनी थां ते उन्होंने हुण गुरगद्दी दी जिम्मेवारी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सौंपनी कीती है ते असी अज ओह दसवें दे प्रोग्राम भी जा रहे हां। गुरु नानक पातशाह दा नां संसार विच प्रसिद्ध हो चुका सी उदों तक, लोगों नूं पता सी गुरु नानक पातशाह ऐसे गुरु हन जो पूरी दुनिया विच घूम घूम के हर धर्म दे लोगों नूं रब दे राह ते तोरन दे उपदेश दिंदे हन। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਵਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਇਤਨੇ ਗਦ ਗਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਾਈ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਭਿਖੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆਓ। ਸਮਾਨ ਆਪੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਆਪ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਗੋਵੇ ਨਾਲ ਚੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ?
इस ते पेन नाल की होएगा। कहिंदे ने पुत्तर सनातन दी आद काल तों चलदी इक रस्म है कि जदों बच्चा थोड़ा जिहा वडेरा हुंदा है उसनू जनेऊ पाया जांदा है ते तुहाडे गुरु ने छोटी उम्र विच 8 साल दी उम्र उस विद्वान पंडित नू की आख्या उसते अंदर खलबली मच गई जद उसने क्या ना कि सनातन दी आद काल तू चलदी आ रही एक रस्म है तो गुरु नानक पातशाह कहंदे मैं जेड़ा धर्म संसार दे लोकां दी झोले च पाण लगा वो रस्म रवाजां दा गुलाम नहीं वह प्रैक्टिकल जीवन जीवन वाले मरजीवड़ियां दा धर्म है। ते पंडित जी ए जनेऊ मैं अपनी वड्डी भैण नानकी दे गल विच नहीं देखिया जमीन खिसकना शुरू हो गई समाज का यह रुझान बनया होया सी कि जो ब्राह्मण कुल नाल संबंधित सी वो चार वर्ण सब तों वड्डा सी ते उसका हर एक मशवरा उसकी हर एक गल उसका हर उपदेश सिर नीवा करके मनना पैंदा सी। असीं इह गल्लां पढ़दे हां ना गुरु नानक पातशाह ने जो उपदेश उत्थे दिता सी कहिंदे ने मैं जनेऊ जरूर पहनांगा पर पंडित जी जिस जनेऊ विच ए खूबियां होवन दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का है तो पांडे काते जिस ते पहनना मनुख दे अंदर दया आ जावे संतोख आ जावे जत अते सत वाला जीवन आ जावे क्योंकि यही चीजा रब दे दर ते प्रवान हन यही चंगे गुण हन जेड़े मनुख ने अपनाने हन जेड़ा तुसी जनेऊ पहनन पहनाउन लगे हो मैनू ये टुट जाएगा ते जेड़ा मैं तुहानू जनेऊ दस रहा ना ये टुटे ना मल लगे ना ये जले ना जाए तनसो मानस नानका जो गल चले पाए ए जनेऊ केड़ा जिसते पेन यानी इंसान अपने अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज जत सत वाले गुण पैदा कर लवे ते इसका जीवन अमली जीवन होवे समझ लो इसने ऐसा जनेऊ पहन लिया ना ये टुटे ना मल लगे ना ये जले ना जा फिर उसने एक गल होर आखदे हन जदों ब्राह्मण बच्चे दे गल विच जनेऊ पांदा है ना उसते कण विच एक उपदेश दिंदा है असि पढ़दे हां सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया सिखा कण विच ए दित्ती जांदी है कि अज तो बाद ब्राह्मण तेरा गुरु होएगा ते तेरा सारा जीवन जेड़ा है ओ ब्राह्मण दे अधीन हो जाएगा तू जीवन दे हर खेत्र विच सुख विच दुख विच ब्राह्मण कोल जाना है उस तू सिख्यावां लेनियां अज भी लोग करदे हैं ना बच्चे दा व्याह ते जाके साह सुधांदे हन कि ए गुरमतियां गल्लां हन। मैं कई बार वैसे तुहानू पिंड वाले लोगों नू मुबारक कि जी सिखी अज किसी ने संभाल के रखी हुई है तो पेंडू लोगों ने संभाल के रखी है। मैं किसी बंदे का नाम लैके कोई गल तो नहीं सा करना चाहता पर मन विच आ गया कि तुहाडे ते गल करां ऐ जत्था कीर्तन करके गया ना ये गल अपने तक ही रखनी साध संगत जी कई बारी कोई गल किसी नाल करन नाल वो एक्शन दा रिएक्शन हो जांदा है। ਇਹ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਾ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ
फलसफे दे होंदे आ हिंदुस्तान सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा और जिन्हां धार्मिक पुस्तकां दे फलसफियां दे संसार विच मौजूद होंदे आ हिंदुस्तान की बहु बेटी गजनवी दे बजारे टके टके नाल विकी ओ इस महान फलसफे नूं छड़ के फिर अजे उधर झाक मार दे हो तुसीं कितने दुख की गल है साध संगत गुरु नानक पातशाह ने उसले जिन्हें उन्हें सी पाया तुसी ब्राह्मण नूं कहिंदे हो गुरु गुरु थापना है ते मेरा गुरु शब्द है ते जदों सिद्धा नाल गुरु नानक पातशाह दा विचार वटांदरा होया सिद्ध गोश दी बाणी विच ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ तेरा गुरु कौन है जिस तू चेला है ते गुरु नानक पातशाह ने फिर की उत्तर दिता सी पवन आरंभ स्वास हवा जदों अकाल पुरख ने साडे ढांचा बनाया ते इस विच स्वास पाए ना ते जीवन शुरू हो गया जीवन दा मुड स्वास पवन आरंभ ते फिर मनुखा जन्म दा समां सतगुरां दे उपदेश ग्रहण करके ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे उपदेशां अनुसार अमली जीवन जीवन वाले हुंदे तो अज दुनिया दे विच कोई होर धर्म हुंदा ही ना केवल सिख धर्म हुंदा असी हां तां सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पर असी उन्हां पुत्रां वांग हां जिहड़े पुत्र अपने पिता दे कहण ते नहीं तुरदे ते पिता कई वारी दुखी भी हुंदा है ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜਿਉ ਸ਼ਬਦ ਮੰਝਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਚਲੋ
मस्जिद चल के साडे नाल नमाज पढ़ो। तुहानू पता ना गुरु नानक पातशाह चले गए सन मस्जिद विच, जो खड़े हो गए पहली सफा च खड़े होके काजी ने नमाज पढ़ी, गुरु नानक खड़े रहे। नमाज पढ़न तो बाद काजी ने प्रश्न पूछा कि तुसी ता आए सी नमाज पढ़न लई, तुसी नमाज नहीं पढ़ी? ते गुरु नानक पातशाह कहंदे हन हां मैं नमाज नहीं पढ़ी, पर काजी जी पढ़ी तुसी भी नहीं। कहिंदा कमाल है, सारिया के सामने पहलिया सफा च खड़े होके मैं नमाज पढ़ी। उत्थे मेरे गुरु नानक पातशाह ने गल आखी सी, मैं हवाला दिता ना कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु नानक पातशाह कहंदे नमाज पढ़नी केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, सुरती की प्रक्रिया है। शरीरक रूप ही तुसी नमाज पढ़ी है ते मस्जिद भी तुसी आए, पर तुहाड़ी सुरती घर विच जिहड़ी घोड़ी सूई हुई है उसकी बछेरे विच सी, किते नाल खूह है ते टिकदी टिकदी वह बछेरी उस खूह च ना डिग जाए। मैं इसलिए गल कर रहा सुरती दी। साध संगत जी साढ़े बड़े भाग हैं कि असी इस कीमती विरसे दे मालक हाँ, ते जदों गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी चाहते हो ना सुरती करके बैठिया करो। ये गुरबाणी पता की है, इस बाणी दे एक एक अक्षर की कीमत संसार का मनुख अदा नहीं कर सकता। सतगुरु आप लिखते हैं गुर में आप समोए शब्द वरताया, अकाल पुरख आप गुरु दे शरीर विच सम्मिलित होके गुरु दे शरीर प्रवेश करके फिर अपनी जड़ा अपना ज्ञान है उसने गुरु रही ये ज्ञान संसार तक भेजिया। ते गुरु साहब आप कहंदे हन हाँ आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। जो मैं क्या तुहानू जो गुरमतियां विचारां तुहानू दित्तियां ने शब्द गुरु दी जिहड़ी गल कीती है उस अकाल पुरख ने मैनू तुहानू कहन लई प्रेरै, मैं आपे कुछ नहीं कह सकदा। ते तीजे पातशाह कोलों पुछिए पातशाह तुसी की ज्ञान देंदे हो सानू, तो वह कहते बिन शब्द है अंतर अनेरा, ना वस्त लहै ना चूकै फेरा, सतगुर अथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरा भाग मिलावने। कहते जेड़ा शब्द नाल नहीं जुड़िया उसके अंदर माया दे मोह दा अज्ञानता दा अंधेरा ही अंधेरा है। ते ऐसे अज्ञानता दे अंधेरे वाले मनुख नूं अपने अंदर ही जो अकाल पुरख कट कट में हरजू बसा से आखदे आं, असीं आखदे आं ना कट कट में हरजू बसै, ओह मालक हर एक हिरदे विच मौजूद है वस रहा है, पर साडे कोल ओह अखां नहीं ज्ञान दियां जिन्हां नाल अंदर वस रहे अकाल पुरख नूं असीं अनुभव कर सकीए। ते तीजे पाछे ने इह गल कही है ना शब्द लहै ना उसनों अपने अंदर वस्ते उस मालक नूं उसकी दिस आउंदी है ना चूकै फेरा। ते फिर ऐजे व्यक्ति जिहड़े टुटे हुए हन शब्द तों उन्हां दा जन्म मरण दा चक्कर भी खत्म नहीं हुंदा। इन्हां चक्रां नूं खत्म करन लई पातशाह कहिंदे सतगुरु दे हथ विच है कुंजी, सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुले ना, और कोई ज्ञान सानू नहीं दे सकता। गुर पूरा भाग मिलावनिया, ते फिर वड्डे भाग होणगे तां इस सच्चे गुरु नाल मिलाप होएगा। सारियां चीजां तुसी कट कर दे जीवन विच, कोई खाना खाना कट कर दे, चंगे कपड़े पाना कट कर दे, किसे दा मकान बहुत चंगा ना होवे बड़ा बेशक ना बनावे, पर जिंदगी विच इस दर नूं सिख कदे ना छोड़े। ये साडा मुड है गुरबाणी विच सानू यही सिख्या देने वास्ते पातशाह ने एक बड़ी सुंदर गल आखी। कहिंदे पेड़ है ना पेड़ दरख्त, मुड तू जदों इसनू कट दिता जाए जदों इसका संपर्क इस दियां जड़ां नाल टुट जावे
मुरझा जांदा है। तुसी किसे हरे परे पत्तियां वाले दरख्त नूं जिस नाल भावे फुल लगे होण फल लगे होण जे मुंड तों कढ दिओ ते पलां दे विच ही उसकी सुंदरता जिहड़ी है मुरझा जाएगी। पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे, ये क्यों गल्लां आखियां? ये सिख नूं समझाया, सिखा अपने मुंड नालों टुटेगा ना जीवन विच खुशियां ते खेड़े नहीं आ सकते। भाई वीर सिंह जी बहुत वड्डे विद्वान होए हन, बड़िया पुस्तकां उन्होंने लिखियां, उन्होंने कई नाटक भी ऐसे लिखे जिन्हां नाटकां च उन्होंने सिख किरदार पेश किया, एक रुबाई च बड़ा सुंदर वो लिखते हैं। मैं गल मुड़ दी कर रहा ना, जेड़ी चीज अपने मुड़ नालों टूट जाए उसकी होंद खत्म हो जाती है। ओ केंदन एक रस्ता है जिस रस्ते ते आम राई आंदे जांदे हन, बड़ी दुनिया आंदी जांदी है ते नाल ही गुलाब दा फुल है, एक डाली है ते उसले फुल लगा हुआ है, एक ही फुल है। ते विद्वान लोग जेड़े हन ना ओ बेजान चीजां राही ऐसा सबक लोगों नूं सिखा देंदे हन जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकदा। तो उस फुल वालों की अरजोई की जाती है उन्होंने रही नु के डाली नालों तोड़ ना सानू, असा हट महक दी लाई, लख गाक जे सुंगे आके खाली एक ना जाई, तू जे एक तोड़ के लै गयो एक जोगा रह जासा, ओ भी पलक झलक दा मेला रूप महक नस जाई। कहिंदा रही हो लखां लोकी आके जे मेरी खुशबू लैन, मैं लखां नूं खुशबू दे सकदा ते मैनूं जे तोड़ दोगे ते ना मैं तुहाडे जोगा रहांगा ते ना मैं जीवत रहांगा। जे तू मैनूं डाली नालों तोड़ दिता मैनूं लै जाएगा एक जोगा रह जा, मैं तेरे जोगा ही रह जाऊंगा, वो भी पलक झलक दा मेला रूप महक नस जाए, वो भी कुछ पलकन ले ही थोड़ी बहुत खुशबू मैं अपने मुंड नूं टुटाए तैनूं दे सकांगा, रूप ते महक मेरी खत्म हो जाएगी। ए रूप ते महक कदों तक है? जदों तक फुल कहिंदा है मैं अपने मुंड नाल जुड़िया होया। सिखो गुरु अर्जन देव पातशाह जिहड़े बाणी दे रचयिता हन, जिन्हें बहुत वड्डी बाणी रची अते गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना कीती, ए दात उन्हां साडी झोली च पाई अते इसकी कीमत उन्होंने की चुकानी पई कि विरोधियों ने जदों हुकूमत पास जाके शिकायतां कीतियां उन्होंने उकसाया कि गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसे ग्रंथ तैयार किए हैं गुरु अर्जन देव जी ने जिन्हां विच इस्लाम धर्म की तोहीन की गई है, तो अज्ञानता दे मारे उन जालमां ने तत्ती तवी ते गुरु साहिब नूं बिठा के अग दे भांबड़ां नाल शरीर साड़िया, तत्ता रेता पाया, ये देन सानूं देन दी खातर। तो जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी भीड़ तैयार हो गई तो इतने खुश होए गुरु साहब, इतने खुश होए एक शब्द उच्चारण किया उन्होंने, असीं सारे पढ़ते हैं, कहिंदे हम धनवंत भागट सच नाए हर गुण गावे सहि सुभाए, कहिंदे असीं बड़े धन वाले। साध संगत जी धन दो किस्म दा, असीं दुनियावी लोक माया नूं सही धन समझदे हां, माया ते सानू रब नालों तोड़दी है ते सच्चा धन जिसकी गल गुरु अर्जन देव करन लगे हन वो सानू मालक नाल जोड़दा है। जे दुनियावी धन की गल करिए माया की गल करिए गुरबाणी आखदी है इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजा जन को जन कहां करें बिचारे। इस माया ते इसने तो सानू अकाल पुरख तुहाडे नूं तोड़ दिता है, पर गुरु अर्जन देव पातशाह कड़ी माया की गल करते हैं नाम दा धन, नाम रूपी माया, ते कहिंदे हम धनवंत
भागत सच नाए। सच्चे नाम नाल जुड़न करके असी बड़े बड़े धन वाले हो गए हाँ, भागा वाले बन गए हाँ। क्यों क्यों हर गुण गावे सहज सुभाए, क्यों सहज सुभा असी उस मालिक दे गुण गांदे हाँ। ते आत्मक अवस्था साड़ी उच्ची आंदी है। पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन प्या निदाना। फिर अगे कहने जो प्यो दादे दे खजाने नू, उन प्यो दादे दा खजाना केड़ा, गुरु नानक पातशाह दी बाणी, जो भगतां दी बाणी गुरु नानक पातशाह ने अपने प्रचारक दौरियां समय प्राप्त कीती ते अपनी पोथी विच लिखी। फिर दूजे पातशाह दी बाणी, तीजे पातशाह दी बाणी, चौथे पातशाह दी बाणी, इस सारी बाणी दे खजाने दी गल करदे ने। क्योंकि केंद्र प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन प्या निदाना। निदाना दा भी मतलब खजाना होंदा। केंद्र फिर मेरे मन अंदर बहुत वड्डा ज्ञान आ गया जदों इसमें खजाने नु खोल के देखा। खोल के देखने दे अर्थ की हम ओही गल जो गुरु अर्जुन पातशाह ने कही सी कि तरियो अर्थ से शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा। किन्नू समझिया मैं इस नाल जुड़ गया, बहुत वड्डे खजाने का मालिक बन गया। फिर रतन लाल जां का कछु ना मोल, परे भंडार अखूट अतोल। ए इतने कीमती रतन हन गुरु साहब दे उपदेश, जिन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकदी, जेड़े कदी मुक नहीं सकदे। खजाना कदी मुक नहीं सकदा उपदेश दा। ते खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो जाई। ते कई पखंडी लोक तुसी भी सुनिया होना कि कहिंदे ने साडे कोल जिहड़ा आवेगा सानू गुरु धारण करेगा, असी कण विच मंत्र देंगे। कण विच ओह गल आखी जांदी है जिहड़ी सीक्रेट होवे ते किसे नू ना सुनाई जावे। ते असी जिस खजाने दे मालक हां, गुरु साहब ने हुण तुहानू दस्सिया है कि कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, को कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। सिद्धा दी गल करिए, मेरा समा तकरीबन हो गया है। मैं दो तीन मिनट तुहाडे कोलो मंग के लांगा। वैसे ते मैं तुहानू इतिहास दसना सी कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी संपादना किवें होई, किस तरह चलिया। तुसी शुरू तो सुनदे आए हो भाई गुरु नानक पातशाह ने जो बाणी अकाल पुरख दे दर तो आई, पहले उस नू गायन किया फिर लिखिया ते ओह पोथी नाल रखदे सन। ते जे कोई सानू पुछे सबूत दसो, ते तुहानू पता है जदों गुरु नानक पातशाह मक्के गए तां भाई गुरदास जी इह गल कर दर्शाउंदे ने सच्चाई। बाबा फिर मक्के गया, नील बस्त्र धारे बनवा ली, आसा हाथ किताब कच्छ, कूजा बाग मुसल्ला तारी। हाथ भी छोटा ते कच्छ थले कहिंदे पोथी सी किताब सी। ओह किताब भी हाथ ना अपने मुताबक अपनी मत अनुसार। ते फिर जदों बहुत सारे काजी इकट्ठे होके आए सन, उन्होंने भी गुरु नानक पातशाह कोले पुस्तक देखी सी, पुछन गल ईमान दी। काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख ना सकै कुदरत कोई, पुछन खोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमान। गुरु साहब पोथी नाल रखदे सन। ज्योति जोत समाउण वेले ए बाणी दा खजाना गुरु अंगद देव जी नूं दे गए। अंगद देव जी ने इस बाणी नूं भी सांभ के रखा ते अपनी बाणी दी भी रचना कीती। इस तरह सिलसिला चलदा आया। जदों पंचम पातशाह कोल बाणी दा बहुत सारा खजाना हो गया, तो उन्होंने महसूस किया कि वख वख जिल्दां विच रची हुई यह बाणी इसकी सांभ संभाल सही तरीके नाल नहीं हो सकती। हुण इस नूं इको ग्रंथ विच सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसकी संपादना की जानी चाहिए है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਹੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ
गुरु साहब ने तकरीबन 1.5 साल का अरसा ला के रामसर साहब विखे गुरु ग्रंथ साहब की संपादना एक विधि अनुसार की। पहला सारे गुरु साहबान की भगजना की वख वख बाणी सी, ते हुण इन्होंने रागां दे अनुसार, तुसी सारे जानदे हो भाई जे श्री राग शुरू किया तो जितने की बाणी गुरु साहब कोल सी उन्हां दी श्री राग की बाणी पहला उच्चारण की। इस तरह इस पासे मैं ना जाए इतिहास वाले पासे, मैं अंत विच एक गल कहिंदा गुरबाणी की महानता की है, वड्याई की है। सुमेर पर्वत दे जदों गुरु नानक पातशाह गए उत्थे हर कोई नहीं सी जा सकदा। उत्थे गर्मियों के विच इतनी ठंड होंदी है, बर्फ होंदी है कि मनुख बर्फ विच जम जांदा है, ते कोई ओही रूहानी शख्सियत उत्थे जा सकती है जिसके अंदर नाम का खजाना होवे, तो जिसनू सर्दी गर्मी तो जो उपर उठ गया होवे। तो जदों सिद्धा नाल गुरु साहब का मेल होया, सिद्धा ने कोशिश की, जदों गुरु नानक नाल विचार वटांदरा होया, गुरु नानक दी पक्याई शब्दां दी जदों उन्होंने सुनी, महान विचार सुने, बड़े हैरान होए। उन्हां दे मन विच एक लालसा पैदा हुई कि ए गुरु जेकर साडे मत विच आ जावे, जोग मत धारण कर लवे, तां साडे मत दी बड़ी चढ़दी कला होवे। उन्होंने ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਬਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਲਾਹਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਏ ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਕਰੈ ਉਜਿਆਲਾ, ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹਰਨ ਅਵਨ ਉਰਤਾਲਾ, ਬਾਇਆ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਫਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਫਣੀ ਨਿਕਲੀ, ਰੋਵੇਂ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਰੀਐ, ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਜੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈਐ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਲੇ ਜਮ ਬੰਦ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲਏ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛ ਮੁਛ ਕੋਈ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਆਂਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ
कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय आओ। गुरु ग्रंथ साहब महारा मोड़िया मोड़िए, जिन्हें बच्चिया ने कवीशरी प्रोग्राम थोड़े अगे रखा ना, इन्हों की दिख मैनु दस रही सी, चंगे परिवार दच्चिया ने इन्हों के पैर जिस सिख के पैरों में भी ना पता लगे कि किसी गुरु का सिख है। असि बस भी सफर कर रहे हुई है ना, दो चार घंटिया का सफर हो ते नाल दी सवारी नूं पता लगे साड़ी डीलिंग इतनी चंगी होवे, साड़े विचारां विच इतनी ताकत होवे कि उसनूं अनुभव होवे कि मेरे नाल बैठी हुई सवारी बड़े गुणा दी मालक है। आओ केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं दिखावे वजू मथा ना टेकीए, अपना मन गुरु नूं भेट कर लईए। किता सी तीजे पातशाह ने, मन बेचा सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास। ते फिर दूजे पातशाह ने एक दिन आखी सी गल, सिखा मेरा मन करदा है मैं तेनों गुरता गद्दी दे दिया। ते सिख ने अगो क्या सी, पातशाह मैं इतना मान रखदा अपने आप विच कि मैं तुहाडा सिख हां, गुरु गद्दी तुहानू ही शोभा देंदी है, तो आओ। बहुत सारिया भुलां गलतियां इतिहास रखद हो गई होगी, आ साहब जी खीमा करोगे। मैनु इंज प्रतीत होंदा सी कि मेरा जो समय नहीं होया, समा बहुत हो गया, समा बड़ा तेजी नाल लंघदा, घड़ी दे सुइयां कदी रुक नहीं सकदियां। यह बहुत बड़ा फलसफा है। आओ जदों भी असी किते पुरब मनाने होन तो मन करके टाइम से राके सारा कीर्तन सुनीए, गुरबाणी दी विचारां सुनीए, ताकि साडे मन दे अंदर जो पे हुए शंके हुण दूर हो जान, ते गुरु नाल साडी मन करके सांझ बन जाए। आओ अंती फतेह जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।